एक तरफ शाहरुख खान के फैंस ये बोल रहे हैं कि पठान फिल्म का जो गाना है बेशर्म रंग, इस गाने से सिर्फ बीजेपी को और हिंदू धर्म के लोगों को ही और कुछ साधु संतों को ही प्रॉब्लम है, लेकिन असली प्रॉब्लम आपने देखा कि इस गाने से खुद मुस्लिम धर्म के कई लोगों को प्रॉब्लम है। भोपाल के जो उलेमा है, उसके जो प्रेसिडेंट वगैरह है, उन्होंने भी कह दिया कि इस गाने से अश्लीलता फैल रही है, ये गाना बैन करना चाहिए। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के ही एक आईएएस हैं नियाज खान, उन्होंने भी कहा कि इस गाने में जो पठान की एक्चुअल भूमिका होती है, पठान अपने वेशभूषा को लेकर काफी सजग रहते हैं, अच्छी ड्रेस पहनते हैं, तो यहाँ पर गलत चीजें दिखाई गई है, अश्लीलता परोसी गई है, इस तरह के गाने नहीं दिखाए जाने चाहिए। अब उसके बाद एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं दानिश खान, इन्होंने भी इस रंग को लेकर एक नया बात कह दिया है और कहा है कि इस गाने को बैन करना चाहिए। इनका ये कहना है कि हिंदू समाज जिस रंग को भगवा रंग बता रहा है और इस गाने का विरोध कर रहा है, असल में इसका विरोध मुस्लिम समुदाय को करना चाहिए, क्योंकि यह मुस्लिम समुदाय के लिए चिश्ती रंग है। अब देखिये चिश्ती रंग क्या होता है मुझे भी नहीं पता, मैंने ज्यादा डिटेल में जाकर बात नहीं की, लेकिन जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो समझ सकते होंगे कि चिश्ती रंग क्या है। जो लोग जानते हैं जो मुस्लिम धर्म से हैं वो कमेंट करके बताएं कि चिश्ती रंग क्या है और उसका क्या महत्व है। इन्होंने ये कहा है दानिश खान ने कि इस देश में सभी को इस रंग का सम्मान करना चाहिए। इनका ये कहना है कि इस्लाम में भगवा रंग नहीं होता है, लेकिन इस देश में भगवा रंग की अलग ही इज्जत है, इसलिए इस्लाम मजहब वालों ने भी भगवा रंग अपना लिया है जिसे चिश्ती रंग कहते हैं। पठान फिल्म का जो गाना है ये हिंदू मुस्लिम एकता को आहत करने वाला है, मैं केंद्र सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस गाने को बैन करें। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम जो है भूपेश बघेल, इन्होंने भी एक विवादित बयान दे दिया है, क्योंकि कांग्रेस जो है इस गाने के समर्थन में है, पठान फिल्म के समर्थन में है, और यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की इस गाने को लेकर काफी लड़ाई चल रही है। इन्होंने ये कहा है कि भगवा रंग पहनना और धारण करना दोनों ही अलग बात है। जब साधु संत अपना घर का त्याग कर देते हैं तब जाकर वो भगवा रंग धारण करते हैं, लेकिन ये बजरंगी गुंडे जो हैं ये भगवा रंग का गमछा पहनकर निकल जाते हैं, तो बताइए इन लोगों ने क्या त्याग किया है और इन लोगों ने समाज के लिए क्या काम किया है, परिवार के लिए क्या त्याग किया है। बल्कि भगवा रंग ये लोग इसलिए पहनते हैं ताकि वसूली की जा सके, ये वसूली करने का एक नया तरीका है। इस कलर को तो हर किसी ने पहन रखा है। कलर की बात करें तो जो बीजेपी के विधायक हैं, सांसद हैं और भी जो लोग हैं, ये लोग भगवा रंग पहनकर जब अपनी फिल्मों में एक्टिंग करते हैं, डांस करते हैं, उसके बारे में इनके क्या विचार हैं। रंगों से किसी की जाति और धर्म को तय नहीं करना चाहिए, ये कहना है छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का। तो इस गाने को लेकर कई सारी चीजें आ रही हैं, आपकी क्या राय है कमेंट कर दीजिए।